चुनावी साल में एक साथ आए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, तो क्या लालू के दोनों लाल में अब ऑल इज वेल है? आरजेडी सुप्रीमो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक और जहां बड़े बेटे तेज प्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला सुर्खियों में, तो वहीं तेज प्रताप का अपने छोटे भाई तेजस्वी के साथ भी अनबन की खबरें सामने आती रही। लेकिन लगता है कि दोनों भाई में अब सब कुछ सामान्य हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के बाहर एक साथ दिखे। इतना ही नहीं, मतभेद की तमाम अटकलों को खारिज करते हुए दोनों भाइयों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर बीजेपी के साथ सौदेबाजी करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की पार्टी ने सौदेबाजी के तहत ही संशोधित नागरिकता कानून का संसद में समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री की इस आश्वासन पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएए पर सदन के अगले सत्र में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस उद्देश्य के लिए विशेष दिन का सत्र बढ़ा सकते थे। ऐसा लगता है कि वो अपनी सुविधा के लिए माहौल के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है, जिसे बिहार की जनता समझ चुकी है। बार बार ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से माहौल बना दें। जब मुख्यमंत्री को सभी को लेकर नेतृत्व करना चाहिए, तब वो चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया कि सीए और एनआरसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वो 16 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच काफी दिनों के बाद मीडिया के सामने तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ की चर्चा रही। ऐसे में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सभी गिले शिकवे भुलाकर चुनावी साल में दोनों भाई अब पार्टी की बड़ी जीत दिलाने के लिए साथ आ गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।